मतदान के दिन अपने लिए इसी कतार की उम्मीद उपचुनाव में उतरे उम्मीदवार जरूर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ की ये कतार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों की है। भले ही वोट मांग रहे नेताओं ने पानी की समस्या सुलझाने के लिए बड़ी कोशिश के दावे किए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि चिलचिलाती धूप में भी लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। सुरेंद्रनगर के बाड़ूका गांव जैसे इलाके हैं जहां 5 दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी आता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी करीब 5 दिन में एक बार आता है। पानी की इस जद्दोजहद में न जाने भाड़ूका जैसे कितने गांव डूबे हैं, लेकिन सरकार और विरोधी नेताओं को सियासी रोटी सेकने से फुर्सत नहीं। सरकार कह रही है कि वो मामले को लेकर जागरूक है, तो कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है केंद्र ने इसके लिए गुजरात के खाते में 1900 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे रखे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें स्कैरसिटी के सामने लड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। जब हमने एज ए कांग्रेस चाहा कि केंद्र सरकार यहाँ पे मदद करे, तब हमें एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें ये पाया गया कि गुजरात गवर्नमेंट को 864.71 करोड़ स्कैरसिटी के लिए दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ दिए हुए ऑलरेडी रिजर्व फंड में SDRF में 1909.72 करोड़ गुजरात की ट्रेजरी में एडवांस पड़े हैं। जहाँ तक पानी की व्यवस्था की बात है, गुजरात की स्थापना 1960 के अंदर थी, 1960 के अंदर थी। गुजरात 53 साल का हुआ है अभी। जितने पानी पहुंचाने के काम गुजरात की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी 2001 से, उस समय के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र हो या कच्छ क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को पानी पहुंचाने का जितना काम किया है विगत 40 साल के अंदर नहीं हुआ है। वैसे पब्लिक है, सब जानती है, उसे पता है कि पानी का संकट आज मुद्दा भी है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 जून को उपचुनाव है। आंकड़ों के इस राजनीतिक खेल में आम आदमी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन नेता है कि अपने बयानों की बौछार से पानी की बौछार कर रहे हैं। तो क्या इस बयानों की बौछार से आम आदमी की प्यास मिटेगी? सुरेंद्र नगर से वीरेन के साथ हितेन विटलानी, जानो दुनिया, अहमदाबाद।